गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब हम जुलॉजी का स्पेशल पेपर स्टार्ट करते हैं स्पेशल पेपर जुलॉजी का सिक्स पेपर है जिसका नाम है फिश एंड फिशरीज फिश एंड फिशरीज इसका सिलेबस इस प्रकार से है इसकी डेफिनेशन इनलैंड फिशरीज मराइन फिशरीज कैप्चर फिशरीज कल्चर फिशरीज रिवराइन फिशरीज रिजर्वर फिशरीज कोल्ड वाटर फिशरीज एशराइन फिशरीज मराइन फिशरीज ऑफसोर एंड सी फिशरीज and uh, estimation of fecundity population dynamics growth and age of fish crustacean and molluscan fisheries fishing methods transport and preservation of fish and uh, fishery management ecology and productivity ec uh, environment and fish and uh, freshwater fish culture in india and planning and management of freshwater pond and uh, culture of indian major carp uh, rohu katla mrigal exotic carp इत्यादि इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो फिशरी को जानने से पहले आप अपने को ये पता होना चाहिए कि फिश होती क्या है मछलियाँ किन्हें कहते हैं मछलियों की अगर परिभाषा की बात की जाए तो मछलियों को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है फिशिश आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकलोथर्म्स वर्टिवरेट्स दैट ब्रेथ बाई ब्रेड मीन्स ऑफ किल्स एंड मूव बाई द विद द फिंस इन वाटर मतलब मछलियाँ वो शीत रक्त प्राणी होती हैं या अनियमित प्राणी होती हैं वर्टिवरेट्स होते हैं कशेरुक होते हैं जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और फिन्स के द्वारा पानी में गमन करते हैं उन मछलियाँ कहते हैं इन डेवोलिन पीरियड यानी लगभग आज से साढ़े चार सौ मिलियन ईयर्स एगो जिसे एज ऑफ फिश कहा जाता है तब उनकी फिश की उत्पत्ति हुई माना जाता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लेकोडर्म्स प्लेकोड्रम जैसी मछलियों से इनकी फिश की उत्पत्ति हुई होगी और यह माना जाता है और प्लेकोडम फिर ऑस्ट्रेकोड्रम से हुई थी एग्नेथा जो ऑस्ट्रेकोड्रम है उनसे Placoderm की उत्पत्ति हुई और Placoderm से फिश की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है फिशेज आर मोस्ट न्यूमरस इन द दर्टिवरेटेज थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑल ओवर दर्ल्ड इन वेटिंग इन फो बोथ फ्रेश वाटर एंड हैबिटेट आउट ऑफ विच नाइनटी फाइव परसेंट आर बोनी फिश यानी दो, दो दोनों में ही 35,000 प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं जिनमें से 95% तो बोनी फिश हैं और 5% परसेंट कार्टिलीजिनस हैं द साइज ऑफ दीज रेंजेस सत्ताईस मिली मीटर से लेकर के 21 मीटर तक की रेंज तक पाई जाती हैं मछलियाँ जिनका वेट भी आ, कम कुछ ग्राम से लेकर के और सत्ताईस टन जिसका जी एंट वेल जो मछली होती है उसका सत्ताईस टन वजन होता है इतना वजन तक इनमें पाया जाता है यानी इतनी वेराइटीज़ पाई जाती हैं आर स्पिंडल शेप्ड एंड बॉडी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इनका शरीर नौकाकार होता है जो पानी के दबाव को काटता है कम करता है बॉडी डिवाइडेड इन टू हेड ट्रंक एंड टेल टेल इज वायोलेटरली कॉम्प्रेस्ड एंड सराउंडेड विद द कॉडल फिन सपोर्टेड विद फिन रेस इनका शरीर तीन भागों में विभक्त रहता है सिर धड़ और पूंछ पूंछ इसकी वायलिटरी कॉम्प्रेस्ड पार्श्व पीड़ित होती है और एक उसके चारों तरफ फिन पाई जाती है उस फिन जो है फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड रहती है दे ऑक्यूपाई ऑल टाइप ऑफ एक्टिक हैबिटेट्स यानी सभी प्रकार के हैबिटेट में ये मछलियां पाई जाती हैं पेयर्ड आइज एंड आर प्रेजेंट वाटर इज एवरीथिंग फॉर दैन वाटर इज हाईवे वाईवे कम्युनिकेशन मीडियम नर्सरी प्ले ग्राउंड स्कूल रूम बेड बोर्ड ड्रिंक टॉयलेट ग्रेवयार्ड एवरीथिंग फॉर वाटर इज फिश। वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर देअर लाइफ साइकिल बॉडी इज कवर्ड विद ड्रमलल स्केल्स बॉडी के ऊपर एक ड्रमल शेल्क पाए जाते हैं जो जिनमें प्लेकोइड गेनोइड टीनोइ साइक्लोइड प्रकार के शल्क इनके ऊपर पाए जाते हैं एग्जोसलेटन के रूप में लोकोमोशन इज बाय पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन पेयर्ड फिन में पैक्टोरल और पेल्विक होती हैं अनपेयर्ड में डोर्सल कॉडल वेंट्रल और एनल फिन होती हैं जो सिंगल होती हैं पेयर में नहीं होती हैं

और डेवलपमेंट इनका फ्राइज और फिंगर लेन के द्वारा होता है लेटर लाइन सिस्टम रिसेप्टर के रूप में पाया जाता है इनमें एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलिज और बोन्स ट्रू जॉस आर प्रेजेंट इसलिए वो ग्नेथोस्टोम्स हैं किडनी इनकी मीजोनेफ्रिक होती है अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं या यूरियोटेलिक होते हैं अमोनिया या यूरिया के रूप में अपने एक्सक्रेटरी पदार्थ निकालते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी सेक्स सेपरेट होते हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं पेयर्ड गोनार्ड विद विदाउट क्लास्पर्स कुछ जन मछलियों के अंदर मैथुनंग पाए जाते हैं जिन्हें क्लासपर्स कहते हैं और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मीजोलैसिथल एग होते हैं मध्यपीति के अंडे होते हैं अनएमियोर्ट्स होते हैं वाटर इज इन इंडिस्पेंसिबल फॉर देयर लाइफ यानी एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती एमनियोटिक फ्लूड नहीं पाया जाता इसलिए उनका डेवलपमेंट पानी के अंदर ही होता है इसलिए पानी उनके जीवन चक्र के लिए बहुत जरूरी होता है ये एक टिपिकल फिश मॉर्फोलॉजी है जिसमें जिसका आकार देखें तो अब ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसका टर्मिनल एंड पर माउथ है और ये गोल गोल इसकी दो आंखें हैं और ये पेक्टोरल फिन है ये पेल्विक फिन है जो पेयर में पाई जाती हैं और ये डॉर्सल कॉर्डल एनल और वेंट्रल ये अनपेयर्ड फिन है जो पेयर में नहीं पाई जाती हैं ये लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है जिसे रियो रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं इसका और इसकी चमड़ी के ऊपर यानी एग्जोस्केलेटन के रूप में स्केल्स पाए जाते हैं शल्क पाए जाते हैं ये इसकी इंटरनल एनाटॉमी है जिसमें इसका जो माउथ है वो आगे चल के फेरिंग्स में खुलता है फेरिंग्स दोनों साइडों में गिल्स के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है और ये फेरिंग्स से पीछे की तरफ ये पाइलोरिक सिकम ये स्टमक होता है स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में खुलता है और इंटेस्टाइन में ये इसका डाइजेशन होता है ये इसके ऊपर एक न, एक एनएस और स्विम ब्लेडर पाया जाता है स्विम ब्लेडर भी पाया जा सकता है किस मछलियों में इसके ठीक ऊपर एक नोटोकोड पाई जाती है और उसके ठीक ऊपर एक नर्व कोड पाई जाती है जो पूरी लंबाई में फैली रहती है जिसका आगे का भाग ब्रेन बनाता है इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल एनाटोमी है क्लासिफिकेशन अगर देखें तो संसार भर में पैंतीस हजार प्रजातियाँ इस मछलियों की पाई जाती हैं जिनको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं प्लेक्योडर्मी कॉन्ट्रिक्थिसीस और ऑस्टिक्थिस तो आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव इस दुनिया में नहीं पाया जाता वो सभी फॉसिलाइज्ड हो चुकी हैं लेकिन होती हैं हो है जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, वो होती है जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है इसलिए उनको बोनीफिस कहा जाता है द्वारा देख सकते हैं सुपर क्लास डिड इंटू थ्री क्लासेसोडर कॉन्ड्रिक्थिस एंड आर further divided into acanthodi, cocosteae, and Terectis in three orders. And the chondrichthyse class is divided into two subclasses, elasmobranchi and holocephali. Elasmobranchi is further divided into two orders, pleurotremata, hypotremata, and and uh, pleurotremata and hypotremata. Pleurotremes are the sharks and rays, and uh, uh, hypotremes are rays and skates. एंड ऑस्टिक थीस इज डिवाइडेड इंटू टू सब क्लासेज टीलियोस्टोमी एंड डिप्नोई टीलोस्टोमी इज फर दिवाइडेड इंटू टू ऑर्डर्स एक्टिनोप टेरिजी क्रॉस ऑफ टेरिजी एक्टिन ऑफ टेरिजी फॉर एग्जाम्पल एक् रेफिन फिश आती हैं क्रॉस ऑफ टेरिजी के अंदर लोबिफिन जैसे कि लेटी मेरी आती हैं और डिप्नोई यानी लंग फिश हैं जिनके अंदर लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है गिल्स के साथ साथ वो लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करती हैं जिनमें एक लंग पाया जाता है उनको मोनोनीमोना ऑर्डर में रखा गया है जिनमें दो लंग्स पाए जाते हैं उनको डाइनिमोना ऑर्डर में रखा गया है मोनोनीमोना यानी न्यूसिरोटोडास जिसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं और प्रोटोपटेरस और न्यो सिरोटोडस ये दोनों डाइनिमोना में आती हैं इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर फिश के जैसे कि स्कोलिडॉन डॉग फिश कहते हैं स्टिगोस्टूमा इलेक्ट्रिक रे टॉर्पिडो जिसे कहते हैं प्रिस्टिस प्रिस्टस्कस सॉफिश स्टिंग रे गिटार फिश स्पेरना हेमरहेडेड शार्क जेवरा शार्क सीटोराइनस बास्किंग शार्क वेल शार्क ये सब फिश होती हैं और कुछ वोनी फिश के एग्जाम्पल हैं जैसे कि पॉलिप्टेरस एसीपैंसर एमिया लेपिडोस्टियस लेवियोरोटा क्लेरियास बेट्रेकस बेलेगोअ विलन एग्जुसिटस फ्लाइंग फिश सिग्नेथस पाई फिश पाईफिश एनाबासनियस प्लियोनेक्टिस एकेनिस या फिश कटला टेट्राडोन डायोडोन ऑस्ट्रेशियन और गैम्बूशिया फिनिश जिसे लार्वी बोरस फिश कहते हैं ये कुछ मछलियों के बोनी फिश के एग्जाम्पल हैं इनमें कुछ मछलियों के चित्र भी दिए गए हैं इसमें देखें कि इसमें लेवियोरोटा कटला कटला और सीरिना रेगला का चित्र है ये इस प्रकार की दिखने में दिखती हैं और ये पॉलिप्टेरस एसीपेंसर लेपिडोस्टियस और एमिया हैं ये चार चित्र इधर हैं और ये एक जिसे शक्रफिश कहते हैं जिसकी फर्स्ट डोर्सल फिन सक्टोरियल डिस्क में बदल जाती है जिसकी सहायता से ये बड़ी मछलियों के ऊपर चिपकी हुई रहती है और उससे कमेंसलिज्म करती है ये कुछ कैटफिश के चित्र हैं जैसे वेलोवर्ट टू है निस्टस सिंगाला और हाइड्रोपनिस्टोसिलस और क्लेरियस बेट्रगस और इसमें चना पंक्टिटस है ये गुरिला ये फिश है एक है एनावस टेस्टिनियस एनावस है और एक नोटोपटेरस चिटाला जिसे चीचल मछली कहते हैं ये म्यूजियल कॉस्टला जिसे मुलाइट कहते हैं और ये फिस्टूलीरिया जीनोडोन और मैस्टा कैम्बलस ये इस प्रकार की फिशें और ये एक सी हॉर्स है हिपो जिसके जिसमें मेल में यूटेरस पाया जाता है थैंक यू